नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। हमारे पिछले वीडियो से हमने इंजन के इंटेक एवं एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में स्टडी स्टार्ट की है और पिछले वीडियो में हमने इंटेक व एग्जॉस्ट सिस्टम के फंक्शंस के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम एयर क्लीनर की स्टडी करेंगे और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एयर क्लीनर क्या होता है एवं इंजन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही हम एयर क्लीनर के विभिन्न टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि एयर क्लीनर यानी हवा को साफ करने वाला, इंजन में सिलेंडर के अंदर हवा को भेजने से पहले हवा को साफ करना जरूरी होता है। वायुमंडल की हवा में कई प्रकार की गंदगी, धूल, मिट्टी एवं कई प्रकार के कण होते हैं। एयर क्लीनर इन सभी को रोक लेता है एवं केवल साफ हवा को ही आगे जाने देता है। यदि यह गंदगी हवा के साथ इंजन के अंदर पहुंच जाएगी तो इंजन के पार्ट्स के बीच में फंसेगी और इंजन के पार्ट्स घिसकर खराब हो जाएंगे। इसके साथ ही यह गंदगी कंबशन चैम्बर में चिपक कर हॉट स्पॉट का काम भी करेगी, यानी यह कण गर्म होकर ईंधन के प्री कंबशन की संभावना को भी बढ़ाएंगे। एयर क्लीनर इंजन में मुख्यतः तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला तो यही कि हवा के साथ धूल, मिट्टी आदि गंदगी को इंजन में नहीं जाने देता। हवा के मैनिफोल्ड में तेजी से घूमने पर जो आवाज पैदा होती है उसे हिसिंग साउंड कहते हैं, इसे कम करता है। एवं तीसरा कि पेट्रोल गाड़ियों में कई बार इंजन बैकफायर करता है जिससे कार्बोरेटर से होते हुए चिंगारी निकलती है। एयर क्लीनर इस चिंगारी को आगे नहीं बढ़ने देते। आइए अब जानते हैं इंजन में प्रयोग होने वाले एयर क्लीनर के प्रकारों के बारे में। ऑटोमोबाइल इंजनों में मुख्यतः दो प्रकार के एयर क्लीनर प्रयोग होते हैं, वेट टाइप एयर क्लीनर एवं ड्राई टाइप एयर क्लीनर। इनके साथ इंजन में एक प्री क्लीनर का भी प्रयोग होता है, तो इसको भी एयर क्लीनर का एक प्रकार कह सकते हैं। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेट टाइप एयर क्लीनर को ऑयल बाथ एयर क्लीनर भी कहते हैं। इसमें एक लोहे के बारीक तारों के गुच्छे वाला एलिमेंट एक बाउल में रखा जाता है। इस बाउल में एक निश्चित लेवल तक ऑयल भरा रहता है। इस ऑयल में यह एलिमेंट या जाली भीगी रहती है, इसलिए इसे वेट टाइप या ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर कहते हैं। इस एयर क्लीनर में प्रवेश करने वाली हवा को इस लोहे की जाली में से गुजरना होता है। हवा में उपस्थित कण इस जाली में फंसकर रुक जाते हैं। यह जाली हमेशा ऑयल से गीली होती है, इसलिए हवा में उपस्थित बारीक से बारीक गंदगी या धूल के कण भी इसमें चिपक जाते हैं एवं पूरी तरह साफ होकर ही हवा आगे जाती है। इस एलिमेंट के गंदा होने पर उसे साफ करके उसमें नया ऑयल भरना चाहिए। इसके साथ ही यदि एयर क्लीनर में ऑयल का लेवल कम हो जाए तो ऑयल को भी भरना चाहिए। ड्राई टाइप एयर क्लीनर को पेपर टाइप एयर क्लीनर भी कहते हैं। इस क्लीनर में स्पेशल पेपर के बने हुए एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। जब हवा इस फिल्टर में से गुजरती है तो इस एलिमेंट में गंदगी चिपक कर रह जाती है एवं शुद्ध हवा आगे बढ़ती है। सामान्यतः एक निश्चित अवधि के बाद ये एलिमेंट निकालकर फेंक दिए जाते हैं एवं इनके स्थान पर नए एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं प्री क्लीनर के बारे में। ऐसे इंजन जो ज्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं उनके एयर क्लीनर के ऊपर एक प्री क्लीनर लगा देते हैं जो कि मोटी मोटी धूल मिट्टी के कण पहले ही रोक लेता है। प्री क्लीनर आमतौर पर साइक्लोन प्रकार के होते हैं जिनके बाहर जाली लगी होती है जो हवा के अंदर मोटी मिट्टी और तिनके आदि को रोक लेती है। हवा इनसे छलकर प्री क्लीनर की बॉडी में जाती है और जाते समय फिर एंगल पर लगी हुई पत्तियों के द्वारा हवा तेजी से प्री क्लीनर बॉडी में घूम जाती है और घूमने से हवा के अंदर मोटी धूल या मिट्टी प्री क्लीनर के तले पर बैठ जाती है। कई बार प्री क्लीनर के तल में एक शीशे का बाउल लगाया जाता है जिसमें यह मिट्टी आकर इकट्ठा हो जाती है। शीशे का बाउल इसलिए लगाया जाता है ताकि ऑपरेटर को यह मालूम चल सके कि बाउल के अंदर कितनी मिट्टी इकट्ठी हो गई है और बाउल के भर जाने पर वह उस मिट्टी को निकालकर अलग कर दे। ऐसे बाउल का प्रयोग मुख्यतः ट्रैक्टरों में किया जाता है क्योंकि ट्रैक्टर अधिकतर धूल मिट्टी में काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।